वेलकम टू वकार एजुपीडिया। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्ब एंड इट्स काइंड्स। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्ब। वर्ब इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वर्बम व्हिच मींस अ वर्ड। वर्ब एक लातिनी जबान के लफ्ज वर्बम से निकला है जिसके मानी है एक लफ्ज। डेफिनेशन। The verb is a word which shows an action or state. Verb ऐसा लफ्ज होता है जो काम को या हालत को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर Zara writes a letter. अब इस सेंटेंस में writes ये एक एक्शन वर्ब है। Writes काम को जाहिर कर रहा है तो ये वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है You seem angry. अब इस सेंटेंस में सीम ये स्टेट हालत को जाहिर कर रहा है तो ये भी वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 6 मेजर काइंड्स ऑफ वर्ब डिस्क्राइब करेंगे। पहला काइंड है एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब वन बाय वन इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। एक्शन वर्ब। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय ए पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट। पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट जो काम करते हैं ये एक्शन वर्ब उन्हें डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पर ही प्लेज फुटबॉल। अब प्लेज ये काम है जो ही कर रहा है तो ये एक्शन वर्ब है। इसी तरह आई राइट ए लेटर। राइट लिखना ये एक काम है जो आई मैं कर रहा हूँ तो ये भी एक्शन वर्ब हुआ। स्टेटिव वर्ब। इट डिस्क्राइब्स ए स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेटिव वर्ब हालत को बयान करता है। फॉर एग्जाम्पल वी लव ग्रामर। तो लव ये एक हालत है तो लव ये स्टेटिव वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सूप टेस्ट साल्टी। टेस्ट जायका ये भी एक हालत है तो ये स्टेटिव वर्ब है। नेक्स्ट काइंड है मेन वर्ब। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। इसे लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। इट इज़ अ वर्ब दैट शोज इन एक्शन आर स्टेट। ये काम या हालत को दिखाता है। मिसाल के तौर पर आई स्टडी इंग्लिश। अब स्टडी ये काम है तो ये मेन वर्ब हुआ। इसी तरह ही लव्स फुटबॉल। लव्स ये स्टेट हालत है तो ये भी मेन वर्ब हुआ क्योंकि मेन वर्ब एक्शन और स्टेट दोनों को दिखाते हैं। नेक्स्ट काइंड है ऑक्सिलरी वर्ब। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए हेल्पिंग वर्ब। इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इट इज़ ए वर्ब दैट हेल्प्स अदर वर्ब्स टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस। ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब दूसरे वर्ब की मदद करता है टेंस बनाने में, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर शी हैज़ ब्रोकन ए कप। अब यहाँ पे हैज़ ये टेंस बनाने में मदद कर रहा है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। शी हैज़ ब्रोकन ए कप, वो एक कप तोड़ चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर। वो एक बड़ा खिलाड़ी है। इज़ ये टेंस बनाने में मदद कर रहा है इसीलिए ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट काइंड है ट्रांजिटिव वर्ब। इट इज़ अ वर्ब दैट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ज़रूर लगा होगा। एग्जाम्पल है शी ईट्स एन एप्पल। वो एक सेब खाती है। ईट्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद में एन एप्पल ऑब्जेक्ट लगा होगा। ऑब्जेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिस पर काम किया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही राइट्स ए लेटर। राइट्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है, वो एक खत लिखता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा ए लेटर। इन ट्रांजिटिव वर्ब। इट इज़ अ वर्ब दैट इज़ नेवर फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट। इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा
इट इज़ फॉलोड बाई ए कॉम्प्लीमेंट, बल्कि इसके बाद में एक कम्प्लीमेंट लगा होगा। दोस्तों कम्प्लीमेंट मुकम्मल करने वाले चीज़ को कहते हैं। तो कम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, या ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव या ग्रुप ऑफ नाउन होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जिस पर काम किया जाए। एग्जाम्पल है शी डांसेस। अब डांसेस इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ब्यूटीफुली लगा हुआ है। तो ब्यूटीफुली ये कम्प्लीमेंट है या एडजेक्टिव है, ये दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला एग्जाम्पल है ही बिकेम, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद एंग्री नाउन लगा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वो वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता बल्कि कम्प्लीमेंट एडजेक्टिव या नाउन लगता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो वर्ब एंड इट्स काइंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर पर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल वकार एजुपीडिया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।